नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आज आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीषा और हर बार की तरह आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी अमेजिंग विलाज होंगे, जैसे कि आज की विला होने वाली है, कॉर्नर का ये विला है, तो ऐसे विलाज की और भी वीडियोज़ होंगी, कहीं वो वीडियो आपके हाथ से या आपकी आँखों से निकल ना जाए। तो इसीलिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आगे आने जितनी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएंगी। तो आज हम आपको लेकर आए हैं सनी इनक्लेव मोहाली के अंदर एक कॉर्नर का बहुत ही प्यारा सा 130 गज का इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला दिखाने के लिए, जिसमें आपको 4 बेडरूम्स मिल जाते हैं। ये 130 गज का है, जो मैं बता चुकी हूँ। इस घर की एक खासियत ये भी है, आप बोलेंगे यार घर तो आप दिखाते हो, घर की खासियत भी बताया करो, तो इस घर की जो खासियत है वो जो है वो बहुत ही कमाल की खासियत है। मैं दिखाना चाहूँगी आपको आपके घर में ही। देखिए ये है उसकी खासियत, तो साथ में ही घर के बिल्कुल साथ में ही आपको जो है गार्डन स्पेस, आपका एक पार्क जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये कॉर्नर का प्लॉट है, कॉर्नर का ये घर है, तो साथ ही में पार्क आ गया। तो एक बात मैं बोलूँगी कि सुबह की चाय जो है वो यहीं से ही आपकी शुरू होगी, यहीं आप अपनी चाय को एंजॉय करेंगे। तो ये जो घर है ना दोस्तों, हम जो देख रहे हैं आज, ये अभी फ़िलहाल ना बन रहा है, अंदर काफ़ी ज़्यादा मैस हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको जैसे 4 बेडरूम्स मिल जाते हैं, एंड जैसे कि मैं कह ही रही थी अभी कि ये हम स्टार्टिंग में इसीलिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पसंद आता है कुछ भी, आपको अगर इस घर में पसंद आ रहा है या कोई भी डिटेल आप लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर आपको मिल जाएगा, कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हैरी दत्त टीम हमेशा आपके लिए हाजिर रहेगी। सो दोस्तों, इस घर में एक खासियत तो मैंने आपको बताई दी, चलिए कि आपका एक यहाँ पर पार्क भी है साथ ही में, क्योंकि कॉर्नर का ये घर है। दूसरी खास बात ये है कि एरिया जो है प्रॉपर डेवलप है, प्रॉपर डेवलप है। तो डेवलप एरिया में हम आपको लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है घर, ऐसा आप सोचिएगा नहीं कि आसपास में कोई रहता नहीं है, प्रॉपर डेवलप सेक्टर है, अच्छे से बसावट हो रखी है, आसपास में मार्केट्स आ जाते हैं, कॉलेजेस, मंदिर, गुरुद्वारास, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हॉस्पिटल, तो सब नियर बाय है। और यहाँ पर अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम हमारे एलिवेशन की, वो नहीं की ना हमने, तो देखिए एलिवेशन इस घर का, यहाँ पर ना सारे घरों में से सबसे डिफरेंट घर यही है, आप खुद देख सकते हैं। आपकी भी क्या शान बन जाएगी कि यार इस एरिया में आप ही का डिफरेंट सा घर है बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। अब चलिए करते हैं बात पार्किंग की। तो पार्किंग आप देख सकते हैं जो बर्म एरिया है वो कितना स्पेशियस है, काफ़ी सारा बर्म स्पेस मिलता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर पार्किंग कार्स की, तो आप 2 या 3 कार्स यहाँ पर पार्क कर सकते हो आराम से, तो इतना सारा स्पेस मिलता है। अब 3 गाड़ियाँ आपकी चलिए यहाँ लग गई, उसके बाद अगर आपके पास और भी गाड़ियाँ हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपके लिए और पार्किंग एरिया ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे तो आपकी बड़ी साइज़ की 4 और गाड़ियाँ, जैसे 3 बड़े साइज़ की बाहर पार्क कर ली, बड़े साइज़ की गाड़ियाँ 4 और अंदर पार्क कर लीजिए, तो इतना स्पेस आपको आपके घर के अंदर मिल रहा है 130 गज के प्लॉट के साइज़ में। 130 गज के प्लॉट के साइज़ में 4 बेडरूम्स, 4 से लेकर 7-8 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे आपको मिल रही है, पार्क साथ में आ गया। अब उसके बाद इस तरफ को, ये तो आपको चलिए मेन एंट्रेंस आपकी रहेगी, यहाँ से आपकी मेन एंट्री होगी, आपके इधर से भी एक गेट आपका आ गया, यहाँ पे भी आप अपनी एक गाड़ी पार्क कर सकते हो, तो पार्किंग का तो आपको बिल्कुल इश्यू ही नहीं फील होगा, कभी ऐसा लगेगा ही नहीं यार पार्किंग है ही नहीं, यहाँ पे तो पार्किंग ही पार्किंग है। हम घर के अंदर नहीं लेके जाएंगे आपको, विच आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि एक्चुअली अब घर बन रहा है तो कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी हमें ना, बिल्कुल हम घर अंदर से देखेंगे हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और बहुत मैस हो रखा है घर के अंदर। बट हमने घर के बाहर वाला एरिया आपको दिखा दिया है, ग्राउंड फ्लोर पर आपको 1 बेडरूम मिल जाता है, किचन आपका आ गया, हॉल आपका आ गया साथ ही में, तो उस तरीके से बनाया हुआ है। बाकी हमने स्टार्टिंग में वीडियो इसीलिए बना ली क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी है, तो अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर शो हो जाएगा, जल्दी से कॉन्टैक्ट करें, कहीं ये कोठी आपके हाथ से निकल ना जाए, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में ऑलरेडी है। तो अगर पसंद आती है तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, एंड अगर फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में अगर ये अवेलेबल रहती है
तो डेफिनेटली जैसी ये रेडी होगी ना, हम आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। हमारी यही कोशिश होती है, चाहे घर बना हो या ना बना हो, हम हमेशा आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आते ही रहेंगे। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, अपना ध्यान रखना है ताकि हम अगली वीडियोज़ में भी मिलते रहें। नमस्कार, शुक्रिया।